हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू मनप्रीत किचन। तो आज हम बनाएंगे आलू की सब्जी और साथ में पूरी बनाएंगे। तो इधर हमने आलू काट लिए हैं छोटे छोटे पीसेस में डाइस फॉर्म में, और इधर हम पूरी का आटा लगाएंगे। उसके लिए हमने 2 कटोरी आटे की ले ली हैं, और ये इधर मैदा लूँगी 1 कटोरी, और ये थोड़ी अजवाइन डालूँगी, और साथ में जाएगा इधर थोड़ा सा नमक पूरी के आटे में। तो पहले पूरी का आटा लगाएंगे, उसके बाद आलू की सब्जी बनाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। इसमें डालेंगे मैदा, इसमें डालेंगे ये नमक, और थोड़ी सी अजवाइन डालेंगे। अजवाइन से पूरी का टेस्ट जो है बहुत अच्छा हो जाता है, तो अजवाइन जरूर डालना। इसमें थोड़ा सा ऑयल डालेंगे, सबसे पहले इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। ये आटा पूरा अच्छी तरह से मिक्स हो चुका तेल के साथ, तो इसमें आप पानी डालेंगे। थोड़ा सा सॉफ्ट आटा ही लगाना है, मतलब बहुत सॉफ्ट नहीं, पूरी का जो रोटी बनाते हैं उससे थोड़ा सा सख्त बनाना है। जी आटा हमारा लग के हो गया तैयार, इसको हम 15-20 मिनट के लिए रेस्ट देंगे, और अब बनाएंगे हम आलू की सब्जी। इसको कोई गीला कपड़ा लेके अच्छे से इसको ढक देना है, ताकि हमारा आटा सूखे नहीं। हम साइड करते हैं, तो इधर आलू की सब्जी बनानी शुरू करते हैं। तो ये आलू की सब्जी जो है मैं बनाऊंगी थोड़ी अलग तरीके से बनाऊंगी। इसमें ना प्याज पड़ेगा, ना अदरक लहसुन, कुछ नहीं डालेंगे। और मैं जो मसाले डालूंगी वही आप ध्यान से देखना, तो ये बहुत ही टेस्टी सब्जी बनती है। तो चलिए शुरू करती हूँ, पहले मसाले दिखाती हूँ आपको। इसमें डालेंगे तेल, तो इधर के मसाले जो मैंने लिए हैं, हल्दी ली है, ये देगी मिर्च ली है, धनिया पत्ता थोड़ा सा ज़्यादा लेंगे, और इधर गरम मसाला, काली मिर्च, और ये लाल मिर्च, और ये लेंगे हींग, नमक, और ये थोड़ा सा जीरा डालेंगे। और सब्जी बनने के बाद हम डालेंगे कसूरी मेथी। तो ये इधर तेल गरम होने देते हैं, तेल को अच्छे से गर्म होने देंगे। इसमें डालेंगे हींग, सबसे पहले डालेंगे धनिया पाउडर, हल्दी, मसालों को जलने नहीं देना है, लाल मिर्च, ये गरम मसाला, काली मिर्च, और ये देगी मिर्च। मसाले हो गए हमारे अच्छे से फ्राई, और सारे मसाले हो गए अभी हमारे फ्राई। तो अभी हम डाल देंगे इसमें आलू, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनती है, और कोई भी बना सकता है, इवन बच्चे भी बना लेंगे इसको। तो कलर भी बहुत सुंदर आएगा इसका। तो इसमें अभी थोड़ा मिला लेते हैं नमक, ये आलू को 2 मिनट के लिए हम फ्राई कर लेंगे तेल के साथ। अभी पहले थोड़ा सा पानी डालेंगे, और इसको लगाएंगे इस पर ढक्कन। आलू जब नरम पड़ जाएंगे उसके बाद हम इसमें थोड़ा पानी और ऐड करेंगे। तो जो मैंने ढक्कन लगा दिया है, इसको 4 विसल आने देंगे, उसके बाद हम इसको खोल के उसके बाद इसमें थोड़ी सी ग्रेवी और डालेंगे। तो बनने देते हैं सब्जी को, उसके बाद मिलती हूँ आपको।
ये 5 सीटी लगने के बाद आलू अब हमारे पूरे नरम पड़ गए हैं, तो इसमें अभी हम डालेंगे पानी। इतना हम इसमें ग्रेवी रखेंगे, थोड़ी आलू को इसमें मैश कर देंगे और इसको 5 मिनट के लिए ढक के पकाएंगे इसको। और उसके बाद जब हम सर्व करने से पहले इसमें कसूरी मेथी डालेंगे, तो ढक के पकाते हैं इसको। ये हम कढ़ाई में तेल डालेंगे पूरियाँ बनाने के लिए। इधर हम आटा जो हमने बना के रखा था वो पूरा एकदम नरम पड़ गया है, इसको अच्छे से मसल के एकदम, तो इसकी छोटे छोटे बना लेंगे इसकी लोइयां ऐसे। तो जब पूरी का आटा लेंगे ऐसे थोड़ा सा इसको प्रेस करेंगे और थोड़ी पतली पतली पूरियां बेल देंगे। तो जी हमारा तेल गर्म हो चुका है, एकदम थोड़ा दबा दबा के इसको पूरी को फुलाना है। देखिए देखिए ऐसे पूरी फूली फूली पूरियाँ कितनी सुंदर लग रही हैं। तो ऐसे ही आपने दबा दबा के पूरियों को फुलाना करना है। तो ऐसे मैं सारी पूरियाँ बना लेती हूँ। ये आलू की सब्जी हमारी पूरी तरह से बन के तैयार है। इसमें अभी हम डालेंगे कसूरी मेथी। कसूरी मेथी को हाथ में लेंगे और थोड़ा सा ऐसे मसल के डाल देंगे आलू को, थोड़ा सा अच्छे से मैश कर लेंगे इसमें। तो आप अपने हिसाब से देख लेना नमक वगैरह कैसे हैं। तो हमारी सब्जी हो गई पूरी बनके तैयार, और अभी आपको प्लेट से जाके दिखाती हूँ। इधर हम थोड़ा सा पापड़ फ्राई कर लेते हैं जो इसके साथ ही हम सर्व करेंगे। पापड़ बहुत स्वाद लगते हैं आलू की सब्जी पूरी के साथ ना। ये प्लेट हो गई है हमारी सज के तैयार। देखो कितना सुंदर लग रहा है, पास में जाके दिखाते हैं। आलू की सब्जी का कलर देखो कितना अच्छा आया है। साथ में देंगे दही बूंदी, पापड़, अचार और जिस प्याज देंगे, और साथ में देंगे पूरी। और आप मेरी विधि से ये आलू की सब्जी ज़रूर बनाइएगा, बहुत ही ईजी है एक बार बना के। और कमेंट सेक्शन में अपने कमेंट शेयर कीजिए कि आपने बनाई तो कैसी बनी। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना मेरे चैनल को। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। ओके बाय, थैंक यू।